हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम अपने फेस पे बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा लेते हैं, बहुत सारी क्रीमें अप्लाई कर लेते हैं, बहुत सारे फेस वॉश लगा लेते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारा हम अप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स कभी कभी ना हार्मोन्स चेंज होते हैं तब पिंपल निकल आते हैं, और कभी कभी ना जो पिंपल्स होते हैं ना वो कभी कभी बिना बुलाए मेहमान की तरीके आ जाते हैं, और जो फेस है ना उसका एकदम से बाजा बजा देते हैं। कई बार ऐसा होता होगा, कई बार सारा चीज अप्लाई करके देख लिया, वही प्रोडक्ट दूसरे को सूट कर जाएगा, हो सकता है वही प्रोडक्ट अगर हम यूज करें तो हमें सूट बिल्कुल भी ना हो, हमारे पिंपल्स सही ना हो, और हो सकता है उसके जो पिंपल्स हैं जिसने मैं बताया उसका पूरी तरीके से सही हो गए हो। तब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अगर पूरी तरीके से आपके जो पिंपल्स हैं वो नहीं जा रहे हैं, या आपके पिंपल्स के जो छाप है, जो निशान है आपके फेस पे रह गए हैं, तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा DIY लेके आई हूँ। अगर आपके पस भरा पिंपल्स है, मतलब जो मुहासा है ना वो आपका पस भी पड़ गया है, या आप देखेंगे कि आपके चीक्स पे बहुत सारे निशान जो है, स्पॉट जो है वो रह गए हैं, या आप देखेंगे कि छोटे छोटे दाने टाइप के निकल आए, जो बहुत ज्यादा, मतलब आपने देखा होगा कई बार ऐसे जो पीला पस होता है ना वो भरा होता है, एंड उनको ना देख के ही थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, हमने सारा कुछ ट्राई कर लिया होता है। आज दोस्तों मैं एक ऐसा DIY लेके आई हूँ जिससे 1 and 10% आपके जो पिंपल्स हैं एंड पिंपल्स के जो निशान हैं वो सारे चले जाएंगे, छाप भी छोड़ के कभी भी गए थे ना, पुराने भी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि दी आप पुराने जैसे पिंपल्स के जो निशान है वो छाप छोड़ के चले गए हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं, मैंने सारा कुछ अप्लाई कर लिया है, बिल्कुल मेरे फेस पे चिपक के बैठे हुए हैं और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तब दोस्तों आज का DIY जो है वो अगर आप यूज करते हैं, वो अगर आप लगाते हैं ना, तो आपकी जड़ से जो पिंपल्स हैं वो चले जाएंगे, पिंपल्स क्या पिंपल्स के जो निशान है वो भी चले जाएंगे। ये जो DIY है एकदम से नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, घर की ही चीजों से, जैसे मैं सारी चीजें नेचुरल बताती हूँ, आज की जो DIY है वो भी किचन से शुरू होती है और आपके फेस पे अप्लाई होती है, और आपका जो फेस है वो पूरी तरीके से चमक जाता है, शाइन करता है, सारे जो निशान है वो चले जाते हैं, पिंपल्स का खात्मा हो जाता है, और आपकी जो स्किन है वो एकदम से ग्लो करेगी, शाइन करेगी, सीसा जैसा जो फेस है ना वो चमकने वाला है। क्या है आज की DIY, कैसे इसको बनाना है, कितनी देर तक इसको अप्लाई करना है, सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो DIY है इसको कैसे बनाना है, और इसको कैसे अप्लाई करना है, और इसको कितनी देर तक अप्लाई करना है, तो चलिए देख लेते हैं। इस DIY को बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एलोवेरा जेल, कस्तूरी हल्दी और दालचीनी की जो लकड़ी आती है उसका पाउडर। आप चाहे तो घर पे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के आप इसका जो पाउडर है वो बना सकते हैं, या आप चाहे तो बाजार से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने घर पे ही इसका जो पाउडर है वो बनाया है, कुछ इस तरीके से इसका जो पाउडर है ये बनकर रेडी हो जाता है। आपके पास अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो यहाँ पे आप जो नॉर्मल हल्दी आती है वो यूज कर सकते हैं, या आपके पास ये एलोवेरा जेल नहीं है तो यहाँ पे आप इस एलोवेरा की जगह पे फ्रेश एलोवेरा जेल ले सकते हैं, या आपके पास कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल है वो भी आप यूज में ला सकते हैं। अब इस DIY को कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है बाउल, और इस बाउल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 चम्मच से कम जो है वो एलोवेरा जो जेल है वो ले रही हूँ, और इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी जो हल्दी है वो आपको बस थोड़ी सी लेना है कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैं फिंगर की ही मदद से ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ 2 पिंच के लगभग यहाँ पे मैंने डाल दिया है कस्तूरी हल्दी। और ये जो दालचीनी की लकड़ी का पाउडर मैंने लिया है ये आप देख रहे हैं कुछ इतना सा है, इतना है, लेकिन मैं इससे आधा जो पाउडर है वो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। और ये जो दालचीनी का पाउडर है ये लगभग 1/2 चम्मच के करीब है, तो मैं ये यहाँ पे डाल रही हूँ। तो मैंने इतना जो है वो डाल दिया है ये दालचीनी का पाउडर। तो इन चीजों को इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है,
देखिए आप इस तरीके का बन जाता है। और बस इसी को आपको लगाना है जहां पे भी आपके पिंपल्स हैं। आप चाहें तो डिप करके भी लगा सकते हैं, या आप चाहें तो जो पतली लेयर है उस तरीके से भी लगा सकते हैं। और ये एक ऐसा नुस्खा है, ऐसा DIY है जो आपके पिंपल्स को एकदम से खत्म कर देता है, और जो भी आपके दाग है पिंपल्स के वो भी खत्म कर देता है। तो दोस्तों देखा आपने इस तरीके से ये जो DIY है ये आपको बना लेनी है और आपको अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे। याद रखिए आपको एकदम से, जैसे नहीं हम कोई भी फेस पैक लगाते हैं या कोई भी साबुन लगाते हैं तो आपने देखा होगा पूरे फेस पे लगाते हैं, आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको डॉट डॉट करके लगाना है। जैसे आप मान लीजिए इस चीक्स पे आपके यहाँ पे जो पिंपल्स हैं वो हो गए हैं, तो आपको लेना है DIY को और डैप डैप करके आपको लगाना है। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया एकदम से नेचुरल है, फिर भी आप थोड़ा सा लगाने पर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जब आप देखेंगे ना सूख जाएगा, लगाने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर आप इसको 10 मिनट या 15 मिनट इसको लगाएंगे तब आपका देखेंगे कि आपका पूरी तरीके से सूख जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से निकालना है। जब भी आपको फेस वॉश करना है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा अपने फेस को रफ नहीं करना है, रगड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग अपने फेस को बहुत ज्यादा तेज से रगड़ते हैं ना, उससे जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा लाल हो जाती है। एंड दूसरा आपको क्या नहीं करना है, आपको जैसे आपने देखेंगे अगर आपका एक पिंपल्स निकल आया ना, रात में नींद नहीं आई, पता चलो जब तक उसको हम एकदम से पिचका के दबा के जब तक उसका पस निकालना दे तब तक हमें नींद ना आती है, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। क्योंकि ना निशान उसी से पड़ जाता है, और अगर आपको नाखूनों से दबाते हैं ना नाखूनों के जो निशान है वो भी आपके फेस पे पड़ जाते हैं, और ऊपर से आपका पिंपल्स का जो निशान है वो पड़ जाता है, फिर आपका जो फेस है ना एकदम से अतरंगा चमकने लगता है। इन चीजों को आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, मतलब आप जो बचकानी हरकत करते हैं ना वो आपको नहीं करनी है, मतलब आपको जैसे दबा के जो आपका पिंपल्स है उसको बिल्कुल भी नहीं निकालना है, आपको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, मतलब उसको टच नहीं करना है। जैसे आपको ये DIY मैंने बताई है वैसे ही आपको बनाना है, लगाना है, उसके बाद जैसे ही वो सूख जाती है आराम से उसको झाड़ दीजिए, उसके बाद आपको अपने फेस वॉश कर लेना है। आप उसके साथ कुश्ती बिल्कुल भी ना खेलें, नहीं तो जो पिंपल्स है उसकी जो दशा है वो थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है, आपका जो पिंपल्स है उसका जो निशान बहुत ज्यादा मतलब गहराई से जैसे गड्ढे टाइप के होते हैं ना उस टाइप में हो सकता है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखें, बचकानी हरकत बिल्कुल भी ना करें, आराम से DIY लगाएं और अपने फेस पे जितने भी निशान है, जितने भी पिंपल्स हैं, पस भरे पिंपल्स हैं या आपके नॉर्मल पिंपल्स हैं जो मुआसे के निशान छाप छोड़ के चले गए ना, सारे के सारे चले जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आप इस DIY को लगाइए और अपने जो अनुभव है वो मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये एकदम से नेचुरल हैं, बहुत नेचुरल तरीके से आपका जो फेस है वो क्लीन होने वाला है। तो आज ही बनाइए इस DIY को, अगर आपके भी पिंपल्स हैं तो आज ही बनाइए, आज ही अप्लाई कीजिए और कुछ दिन तक आपको कंटिन्यू करना है और आप देखेंगे कि आपके जो पिंपल्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।